गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ में तीसरे चैप्टर में ये तीसरा चैप्टर चल रहा है आपका, नहीं दूसरा है। दूसरा चैप्टर में आपका जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक का नाम है प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर्च। आज हम जानेंगे कि प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर्च क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपके वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो जानते हैं कि जो है प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया के आवेग के संवेदी अंग से कार्यकारी अंग तक पहुंचने के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के, क्योंकि जैसे जितनी भी क्रियाएं, जैसे मान लो कोई वस्तु की गर्म वस्तु हम लोग छू लें या ठंडी वस्तु को छू लें या कोई भी अचानक रात में टॉर्च चेहरे पे लगा दे, आंखों पे लगा दे, तो ये सब कैसी क्रियाएं होती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के आवेग के संवेदी अंग से, मतलब जैसे मान लेते हैं कि हमने किसी गर्म वस्तु को छू लिया, तो छूने के बाद क्या होता है कि जो प्रतिवर्ती क्रिया के आवेग संवेदी अंग, संवेदी मतलब जैसे हाथ, हमने हाथ से किसी गर्म वस्तु को छुआ तो हमारा संवेदी अंग कौन हो गया? हाथ हो गया संवेदी अंग। तो आवेग के संवेदी अंग से कार्यकारी अंग, संवेदी अंग हो गया हाथ और कार्यकारी अंग कौन हो गया? जैसे हमारी पेशियां, तो कार्यकारी अंग हाथ की जो पेशियां हैं, तो हाथ की पेशियों तक, अंग तक, कार्यकारी अंग तक पहुंचने के मार्ग को, मतलब संवेदना, हमने संवेदना हमारे हमें प्राप्त हुई और वो संवेदना हमारे मिर से कार्यकारी अंग, मतलब हमारे हाथ की पेशियों तक वापस आ गई। तो इस प्रकार से जो ये मार्ग होता है पूरा, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। मतलब देखते हैं, जैसे गर्म वस्तु को छुआ, ठीक, गर्म वस्तु को छूने पर क्या होता है? कोई गर्म वस्तु को छूने पर कौन छूता है? हमारा हाथ छूता है, ठीक, हाथ। तो ये हाथ जो है, ये हाथ क्या हो गया हमारा? ये हाथ क्या हो गया? ये हो गया हमारा संवेदी अंग, संवेदी अंग हो गया। तो हमारा हाथ कौन हो गया? संवेदी अंग। अब देखिए, इस संवेदी अंग से, क्योंकि ये प्रतिवर्ती क्रिया है, तो प्रतिवर्ती क्रिया हमारे सीधे मेरुरज को जाएगी। तो ये संवेदी अंग से कहाँ चला गया? ये संवेदना कहाँ चली गई? तंत्रिका द्वारा मेरुरज में चली जाती है, मेरुरज में चली जाती है। और मेरुरज जो है हमारे कार्यकारी वस्तु, कार्यकारी अंग, जो हमारा कार्यकारी अंग है, कार्यकारी अंग कौन सा है? कार्यकारी अंग मतलब कौन सा? हाथ की पेशियों को सूचना भेजता है और हाथ की जो पेशियां हैं वो अपने काम करके हाथ को तुरंत पीछे खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मार्ग है, ये पूरा जो एक मार्ग है, इस मार्ग को कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। देखिए, यही लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ती क्रिया के आवेग संवेदी अंग कौन सा हो गया? हमारा हाथ, क्योंकि किसी गर्म वस्तु को छू रहे हैं तो जो गर्म चीज है वो हमारे हाथ के लिए क्या हो गई? संवेदना हो गई। तो जो आवेग आए तो संवेदी अंग से कार्यकारी अंग, ठीक, संवेदी अंग से पहले मेरुरज में चले गए और मेरुरज से तुरंत प्रतिवर्ती क्रिया का आदेश आया और वहां से तुरंत सूचना कार्यकारी अंग की आई, और जो कार्यकारी अंग तक सूचना आई तो तुरंत हाथ की जो पेशियां थी वो क्या हो गई? एक्टिव हो गई और उन्होंने तुरंत अपने हाथ को पीछे खींच लिया। तो इस प्रकार से जो ये मार्ग बना, मतलब ये पूरा जो रास्ता क्रिएट हुआ, इस मार्ग को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके निम्नलिखित अंग होते हैं। तो सबसे पहले ग्राही अंग, देखिए जो हाथ है ये कौन सा अंग हो गया? ग्राही अंग, मतलब संवेदी, मतलब ग्राही, क्योंकि संवेदना कौन ग्रहण कर रहा है? संवेदना किसके द्वारा ग्रहण की जा रही है? हाथ के द्वारा। तो हाथ क्या हो गया हमारा? ग्राही अंग, ठीक। तो जो संवेदी न्यूरॉन है, तो हाथ के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं, हाथ के अंदर जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, क्या ग्रहण करेंगी? संवेदना ग्रहण करेंगी। तो दूसरा क्या हो गया? संवेदी न्यूरॉन, ठीक। अब आता है सहबंधक न्यूरॉन, क्योंकि संवेदी न्यूरॉन जो होती है सूचना को आगे भेजने के लिए, जो दूसरे प्रकार के न्यूरॉन होते हैं जिनको बोलते हैं सहबंधक न्यूरॉन, मतलब यहाँ पर ये सूचना को मेरुरज तक भेजेंगे। चालक न्यूरॉन तथा चालक तंत्रिका, फिर
जो मेरुरज है, मेरुरज से जब वापस सूचना आएगी तो वो किसके द्वारा आएगी? चालक न्यूरॉन या चालक तंत्रिका के द्वारा आएगी, क्योंकि मेरुरज सूचना भेजेगी कि अपने हाथ को हाँ पीछे खींचना है। तो वही है कि चालक न्यूरॉन तथा चालक तंत्रिका के द्वारा सूचना आएगी। और फिर क्या हुआ, जो कार्यकारी अंग है, मतलब जो कार्यकारी अंग है अर्थात हाथ की जो पेशियां हैं, वो एक्टिव हो जाएंगी और तुरंत हम अपने हाथ को खींच लेंगे। तो इस प्रकार से ये स्टेप होते हैं जो क्रमशः सूचना का प्रसारण करते हैं। तो उस टॉपिक से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है कि प्रतिवर्ती चाप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।